नमस्कार, मैं जनप्रतिनिधि शिवम गौतम। और जिस तरीके से सीएओ के ऊपर कांग्रेस और बीएसपी, सपा, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, अब उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधी चुनौती दे दी है कि ये सभी पार्टियां एक हो जाएं और पूरे देश में जितनी भी इन्हें गुमराह करने की कोशिश है वो कर लें, लेकिन अब हम इस कानून पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने सीधा हमला बोला कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने कानून या तो पढ़ा नहीं है या फिर वो जानते नहीं है कि कानून होता क्या है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसे लोगों को चैलेंज किया कि वो कानून को एक बार पढ़ लें और उसमें एक भी लाइन ऐसी दिखा दें जो भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, अन्यथा ये इस तरीके से गुमराह करना बंद करें। और आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अगर अंग्रेजी हिंदी समझ में नहीं आती है तो हम इसका अनुवाद इटालियन में भी करा देंगे, जो राहुल गांधी के ननिहाल की भाषा है, और फिर राहुल बाबा इसको इटालियन में पढ़कर और आए और फिर बहस करें अगर वो कानून को समझते हैं तो। निश्चित तौर पर अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि जो लोग भारत में आए हैं शरणार्थी के तौर पर उनमें 2/3 से ज्यादा दलित हैं, उसके बावजूद बसपा जैसी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उन लोगों के आने का और उनको नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में वो आकंठ डूबे हुए हैं। आगे बोलते हुए अमित शाह ने उस बात का भी जिक्र किया जो कल एक समाचार आया था कि किस तरीके से वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस पार्टी के ही एक संगठन कांग्रेस सेवा दल ने एक पुस्तिका छापी थी जिसमें वीर सावरकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी और उस पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर गई है, इतनी ज़्यादा शर्मनाक स्थिति में आ गई है कि अब वो वीर सावरकर का अपमान करने से बार बार बाज नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि हम इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे और इनकी हकीकत को जनता के सामने लेकर आएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरीके से सीए लाया गया उसका विरोध कांग्रेस ने किया, जबकि इसका उद्देश्य मात्र उन सभी लोगों को नागरिकता देना था जो भारत में आए थे। और इसको लेकर उन्होंने याद भी दिलाया कांग्रेस को कि किस तरीके से महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, इन सभी ने इन भारत में आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने की वकालत की थी और ये कहा था कि जो भी भाई बंधु हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि वो भारत के ही हिस्सा थे, भारत के ही नागरिक थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के कारण उनको भारत की नागरिकता से वंचित होना पड़ा था और अगर वो अपने भारत में वापसी करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए हमारे दरवाजे खुले रहने चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से इन लोगों ने कष्ट भोगे हैं, किस तरीके से माओं को अपने 3-3 महीने के बच्चों को छोड़कर आना पड़ा था क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था और ऐसी विकट स्थितियों के बाद जब ये लोग इस भारत में आए हैं जिसका इतिहास रहा है कि ये पूरी दुनिया की सभी संस्कृतियों का शरण स्थली है, हम कैसे अपने इन भाई बहनों को आने से मना कर देंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत में आने वाले ये शरणार्थी नागरिकता मिलने के बाद भारत पर इनका उतना ही हक है जितना कि मेरा है या किसी अन्य का है। निश्चित तौर पर उन्होंने खुलकर उन सभी लोगों को चुनौती दे दी है कि आप सभी एक हो जाइए और एक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने इस निर्णय से, इस कानून से पीछे नहीं हटेगी। आपको जितना भ्रम फैलाना है फैलाइए, हम जागरूकता फैलाकर आपके सभी भ्रमों को दूर कर देंगे। निश्चित तौर पर आज अमित शाह ने जोधपुर में जो कुछ कहा है वो सीधे तौर पर चुनौती है राहुल गांधी, उसकी माँ सोनिया और उसकी बहन प्रियंका वाड्रा के लिए, अखिलेश केजरीवाल जैसे सड़क छाप नेताओं के लिए या ममता बनर्जी जैसी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए। निश्चित तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप जितना जोर लगाना है जोर लगा लो, लेकिन सरकार तुम्हारी इन उलझलूल गीदड़ भभकियों के आगे झुकने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस सेवा दल ने वीर सावरकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की किताब छापी और उसके बाद सेवा दल का जो अध्यक्ष है लालजी देसाई, उसने ये कहा कि इसमें जो तथ्य दिए गए हैं लेखक ने रिसर्च के बाद लिए होंगे और हर व्यक्ति को अपने हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने का अधिकार है, यानी कि उसने किताब का बचाव किया। और इसके ऊपर संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं और शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से, वो खुलकर सामने आ गए। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। जो लोग उनके खिलाफ इस तरीके की ओछी हरकतें कर रहे हैं उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है और ये लोग हमेशा ही इस तरीके की बातें करके अपने दिमाग की गंदगी को बाहर लेकर आते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें इस बात से बचना चाहिए, लेकिन ये सुधरते नहीं है क्योंकि इनके दिमाग की जो गंदगी है वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए स्तर की है।
निश्चित तौर पर संजय राउत ने जो कहा है ये उसके बाद आया है। इसको लेकर वीर सावर के पोते ने भी कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ये सब कर रही है, अब शिवसेना को इस पर खुलकर जवाब देना चाहिए। उद्धव ठाकरे कभी कहा करते थे कि मैं उस व्यक्ति को चप्पलों से पीटूंगा जो वीर सावरकर के खिलाफ बोलेगा, तो अब वीर सावरकर का अपमान कांग्रेस दूसरी बार कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने उनका अपमान किया था जिसका जवाब शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने दिया था, उसके साथ साथ एकनाथ खड़से ने भी उस पर जवाब दिया था। और अब जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने ये कहा है तो उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच में वीर सावरकर को लेकर स्थितियां अब तलवारें खींचने जैसी है। वहीं उमा भारती ने भी इस बात को लेकर कांग्रेस की खिंचाई की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये सब नाटक वीर सावरकर को बदनाम कराने के लिए करा रहे हैं और उनका उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि वीर सावरकर को पूजती है, उनको महान मानती है, इसलिए वो लोग उन्हें नीचा दिखाने के लिए वीर सावरकर का बार बार अपमान कर रहे हैं और इस पर उद्धव ठाकरे को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो वीर सावरकर को अब भी मानते हैं या फिर कांग्रेस के दबाव में पूरी तरीके से झुक गए हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी ने भी बड़ा हमला बोला कांग्रेस के ऊपर और चक्रपाणी ने यह कहा कि हमारी महासभा के पूर्व अध्यक्ष वीर सावरकर जी के बारे में इस तरीके की शर्मनाक बातें छापकर कांग्रेस ने अपनी नीचता का परिचय दिया है और कांग्रेस कितनी नीच है इसको सब लोग जानते हैं और हमें तो यहाँ तक पता है कि कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद एक समलैंगिक है, खुद एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कांग्रेस बातें छुपाती है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के इसी तरीके के राज हैं, अगर हम मुंह खोलेंगे तो उनके सारे के सारे गंदे चरित्र सबके सामने आ जाएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष कई ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनके चरित्र बहुत ज़्यादा गिरे हुए रहे और इसको लेकर इशारों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू रंगरेलियाँ मनाता था उसके बावजूद लोग उसको चाचा नेहरू और महान कहते हैं, जबकि वीर सावरकर जैसे व्यक्ति को जो कि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी जेलों में काटी और देश के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, उनके ऊपर आरोप लगाकर उनसे जो जिस तरीके की बातें करते हैं इन्हें शर्म आनी चाहिए। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया था तब संबित पात्रा ने भी यही बात कही थी कि रंगरेलियाँ मनाने वाला नेहरू आपके लिए महान है लेकिन जेल में अपनी जिंदगी और दो उम्र कैद काटने वाले और तमाम लोग कोलू तक चलाने वाले वीर सावरकर को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने भी हमला बोला और उन्होंने कह दिया कि सीधे तौर पर राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस में सावरकर को लेकर जिस तरीके के ये पर्चे बांट रहे हैं इससे इनका उद्देश्य है कि ये जिन्ना को भारत में महान बताना चाहते हैं और सावरकर जैसे सेनानी को जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितना योगदान दिया, 1857 की क्रांति जिसको अंग्रेज गदर बताया करते थे उन्होंने उसको पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम करके एक किताब छापी थी जिसके बाद लोगों के अंदर देश के लिए लड़ने मरने की जज्बा पैदा हुआ था, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में कांग्रेस मति भ्रम के दौर से गुजर रही है और वह समझ नहीं पा रही कि किसका विरोध करें और किसका समर्थन करें। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता उन राष्ट्रभक्तों को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे जो राष्ट्रभक्त विशेष रूप से बहुसंख्यक आबादी के हित चिंतक रहे हैं, यानी कि कांग्रेस जानबूझकर उन महान नेताओं को उन महान सेनानियों को निशाना बनाती है जो कि बहुसंख्यकों में पूजे जाते हैं और कांग्रेस की सेकुलरवादी या तुष्टिकरण की राजनीति में फिट नहीं होते हैं। आपको याद होगा किस तरीके से कांग्रेस चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को आतंकवादी कहती रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने यह सब किया है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो बड़े नेता रहे थे उसके बावजूद उनको वो सम्मान नहीं मिला, सरदार पटेल को कभी कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। कांग्रेस में दो ही व्यक्ति सम्मान पाते हैं, या तो नेहरू गांधी खानदान का कोई व्यक्ति या नेहरू का कोई चहेता। निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी गंदी राजनीति में कांग्रेस आकंठ डूब गई है और इससे बाहर आने का अब कोई रास्ता कांग्रेस को नहीं लग रहा है। यही वजह है कि लालजी देसाई इस पूरे के पूरे मामले पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या उसकी बहन प्रियंका वाड्रा हो, या कोई और बड़ा नेता जिसको कहा जाता है छुटभैये चमचे हैं सोनिया गांधी के, उनमें से किसी ने भी सफाई नहीं दी है, न सफाई दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से इसका मतलब ये है कि ये जो पुस्तक छापी गई है सीधे तौर पर नेहरू गांधी खानदान की सरगना सोनिया गांधी और उसके बेटे के इशारे पर छापी गई है और सीधे तौर पर उनको ही इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। संजय राउत ने यह भी कहा था
कि ये पुस्तक महाराष्ट्र में किसी भी हालत में नहीं आएगी, महाराष्ट्र के अंदर कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को नहीं ला सकता, हम इसको महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, इसे झूठे तथ्यों को महाराष्ट्र में नहीं फैलने देंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष सेलान ने भी कहा कि इस तरीके की बातें करके कांग्रेस अपनी नीचता का परिचय दे रही है, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रही है, और इसको लेकर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और इस पुस्तक पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये अपमानजनक है और हम वीर सावरकर का अपमान किसी भी हालत में नहीं सहेंगे। तो सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अब कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है, लेकिन कांग्रेस की बेशर्मी यह है कि वो ऐसे मामलों में चुप्पी साधे रहती है। कांग्रेस में माफ़ी मांगने की परंपरा कभी नहीं रही, चाहे कितना भी बड़ा जुर्म, कितने भी बड़े पाप कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कर दिए हों, कांग्रेस कभी माफ़ी नहीं मांगती है, लेकिन दूसरे लोगों पर वो झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश हमेशा रचती रहती है। जय हिंद, जय भारत।